देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर से बैठे किसानों को 6 महीने का समा हो गया, जिसके रोस वजो देश के कई हिस्सों अज काला दिवस मनाया गया। मोहाली च भी केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। संयुक्त किसान मोर्चे तो मांग करदिया पंजाबी गायक जस बाजवा ने कहा कि मोर्चे ने हुण नौजवान पीढ़ी लई कोई प्रोग्राम उलीकना चाहिए ता जो नौजवान दिल्ली आ सकन। उत्थे उन्हां सारे जथेबंदियों नूं इक मंच ते आउण दी अपील भी की। देखो जिहड़ा अज असीं 6 महीने का रोस प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस धरने नूं लैके इक तां साडी बहुत वड्डी कुरबानियां ने 450 तो उत्ते शहादतां किसान भैण भरावां दीआं होईआं ने, उदों बिना भी गौरमेंट दे बड़े तशद्दद साडे ते झल्ले है। नौजवान दियां पग्गां लाईआं ने, पाणी दियां विछाड़ां मार के अथरू गैस दे गोले साडे ते सिट्टे है, साडे बजुर्गां दे लाठियां मार के सिर पाड़े गए है जिन्हां दे 40-40 टांके लगे है। सो अज तुसीं इक वक्खरे तरह का उत्साह देखण नूं मिलिआ। असीं पहलां सुहाणा साहिब गुरद्वारे तों, उद्दों बाद च लांडरां चौंक च, ते उद्दों बाद च भागो माजरे टोल प्लाजे ते, हुण दुबारे फिर अगे इत्थे मोहाली प्रोग्राम रख्या होइआ। नौजवानी आप मुहारे, आ जिहड़ा रोस मार्च ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, किसी ने सानूं कहा नहीं सी, पर लोगों ने आप मुहारे एक अपना गुस्सा जाहर किया कि गौरमेंट जिहड़ी एक लंबे समय तो एडिया कुरबानियां संघर्ष नूं लैके हो गई, असीं आपदियां मंगां उन्हां नूं कह रहे हैं भी ये काले कानून रद्द करो, नहीं गौरमेंट मान रही। एक रोस प्रदर्शन किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि अज संयुक्त मोर्चे वालों एक प्रोग्राम दिता गया सी सानूं, रोस मुजहरा जिन्हों कह के कालिया झंडिया गड्डिया लाउनिया ने, काले कपड़े कालिया पग्गा कुछ भी होंगे, मतलब तुम रोस करना है आपके घर झंडिया स्कूटर से मोटरसाइकलों से, तो यह एक कॉल आई सानू। इदा जे अगे लगातार कॉलां आउंदियां रहणगियां तां जिहड़ी यूथ की सरगर्मी है वह दिनों दिन तेज़ होंदी रहूगी। हुण असीं लगातार पिंडां च जाने हैं, संगत नूं बेनती करते हैं कि दिल्ली धरने ते चलीए, तो उत्थे कोई सवाल वो करते हैं कि भाई जरूर जावांगे, दसो किदण जाना है, बस सानूं यह दसो भी उत्थे अगला रणनीति की है, अगला प्रोग्राम की है। सो जदों तक तो यह संघर्ष च लखां की गिणती रही है, ये उदों तक रही है जदों तक संयुक्त मोर्चे वालों सानूं प्रोग्राम दिते गए है कि भाई अज असी KMP रोकना है, अज असी इत्थे अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, लगातार असी उत्थे गए हैं। हुण संसद मार्च जदों कढ़णा सी वह रद्द हो गया कोविड नूं मद्देनज़र रखदे, उदों बाद कोई भी प्रोग्राम इदा का दिता ही नहीं गया कि यूथ च सरगर्मी होवे। बिल्कुल देना, मैं तो बई जी देखो पहले दिन तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नौजवानी मेरी ये आवाज़ नहीं हैगी, पिंडां चों नौजवानों की ईवन कि साढ़े बजुर्गों की यह आवाज़ है कि सानू 6-6 महीने उत्थे बैठे हो गए। मैं उत्थे भी जाके आया, परसों दिल्लियों आया मैं, तो उत्थे जिहड़े बैठे आ भरा साढ़े, उन्हां दा भी यही कहना है कि असी बस एक प्रोग्राम की उड़ीक कर रहे हैं कि कोई इदां दा प्रोग्राम लिखा जाए कोविड नूं मद्देनज़र रखते हुए। जिवें सिंपल फॉर एग्जाम्पल मेरे तो कई बार पूछ लेंदे कि किदां दे प्रोग्राम होने चाहिए है, जिवें चड़ूनी साहब हरियाणे तो नवदीप उन्हें इकट्ठ करके पिंडां चों लैके जा रहे हैं दुबारे, कदे जिले करनाल चों 6,000 बंदे का काफला है, अंसार तो 10,000 बंदे का काफला, दिल्ली वल नूं वधदा है, तो सरगर्मी चलती रहती है। इदां ही मैनूं लगता है कि पंजाब तो जथेबंदियों के जिहड़े केडर ने जां जिहड़े भी मतलब मैं तो नहीं चाहुंदा कि आह जिहड़े ग्रुप बने हुए कि वह फलाने का धमकाने का, सारे एक मंच से कट्ठे होके पंजाब के किसान भरावां नूं यह अपील करन कि आपां रल के दुबारे दिल्ली वल नूं चलीए, आपदा केडर लैके जाओ, चाहे कोई प्रोग्राम इदां दा दो तो यूथ च जिहड़ी वह सरगर्मी पैदा होगी दुबारे। मैं तो रोज़ ही दिना बई, मैं पिंडां च जाके भी यही गल कहना, मैं परसनल तौर पर जो तुसीं मेरे तो पुछदे हो कि देखो मैनू पिंडां चों ये सवाल करते हैं, पर मैं जे कोई मेरी होंद ते सवाल खड़ा कर दूगा मुड़ के आके कि एक कल्ला लैके चल पिया, मैं नहीं चाहुंदा, असीं तां पहले ही इन्ने पाटे हुए हैं अलग अलग धड़े ने कि कल नूं कोई इदां दा नां दे दित्ता जावे भी ये जस बाजवे दा धड़ा है जां इह सिंगरां दा धड़ा है, कदे भी असीं उस चक्कर च नहीं पवांगे। जथेबंदियां दा कहना है कि साडे वल्लों कोई स्पैशल नहीं कॉल दित्ती जांदी, जिहड़े आउणा चाहुंदे ने उह आ जाणा। पर स्पैशल कॉल की लोड़ है ना बई जी, अज आपदे पिंडां च आके जदों आपां गए सी, जदों आपां KMP रोकिया सी, उह सरगर्मियां नूं भी आपां देखी, उदों आपणा धरना एक पूरे पीक ते सी, हैगा अज भी है, पर गौरमेंट ते टस तो मस नहीं हो रही हैगी, गौरमेंट साडी ना तां कितें सुनवाई कर रही है, पूरे सूबिया नाल प्रधानमंत्री साहब वर्चुअल मीटिंगां करदे आ, तां साडे नाल तां कोई सानूं मजबूरी च अज चिट्ठी लिखणी पई उहनां नूं, चलो कोई माड़ी गल नहीं, असीं पहल कीती आ, असीं अगे भी कर सकदे हां, पर गौरमेंट ने अज तक ना तां उस चिट्ठी दा जवाब दित्ता है, ना कोई अगली साडे नाल गल्लबात करन दा राह खुल्लिया, तां कितें ना कितें जाके गौरमेंट तों ऐ आ वी बैठे आ तां बैठे आ, रोड वी उह चल पिया जिहड़ा धरने वाला मोर्चे वाला रोड सीगा,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। दैनिक सवेरा टीवी ले रविंद्र मीत की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्ह चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।